डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण की रचना करना। एक रेखाखंड इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। अब ये प्रकार है, प्रकार को जैसे ए बिंदु पर रचना करनी है तो प्रकार के इस सिरे को हम यहाँ ए पर रखेंगे और इसके आधे से थोड़े से कम, आधे से भी कम, आधा कहाँ होता है, या इसे कम खोलेंगे, आधे से कम, आधे से कम खोल के यहाँ से इस प्रकार से एक चाप काट देंगे। अर्धवृत्त बना दिया, बना दिया। इसके बाद प्रकार को इतना ही खुला रखना है, प्रकार भी यहाँ रखना है और एक ये चाप काट देंगे, ठीक है। काट दिया, ये चाप काट दिया, तो ये कोण कितने डिग्री का बन गया, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। ठीक, इसके बाद में ये स्केल लिया, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, और इस पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, प्रकार को आधे से कम खोला, इस प्रकार से एक चाप काट दिया, फिर यहाँ रखेंगे प्रकार को, ये 60 डिग्री और ये 120, पहले 120 का खींच देते हैं, ठीक है। ये जो ये चाप है 60 डिग्री का, ये चाप कितना 120 का, ले लीजिए। ये कौन हो गया 120 डिग्री का। अब 90 डिग्री का बनाएंगे, तो 90 डिग्री का किस प्रकार से बनाएंगे देखना। एक आपने ये रेखाखंड खींच दिया, ठीक है, इस रेखाखंड को नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब प्रकार को यहाँ रख के आधे से कम खोला, आधा आधा यहाँ था, आधे से कम इतना खोल लिया और यहाँ से एक अर्धवृत्त बना देंगे, इस प्रकार से अर्धवृत्त बना दिया। इसके बाद प्रकार को यहाँ रखेंगे और ये चाप कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री के लिए चाप काट दिया। अब 90 डिग्री का आता है, यहाँ आएगा लगभग बीच में, तो प्रकार को यहाँ रखेंगे, यहाँ वाले इस चाप 60 डिग्री वाले पर और यहाँ चाप काट दिया, फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे 120 वाले पर और ये चाप काट दिया। अब जो ये दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं, ये दोनों चाप यहाँ काट रहे हैं, ठीक है, स्केल को इस प्रकार से रखो ये बिंदु पर और इस चाप से जाती हुई, ये जो चाप दोनों काटे हैं यहाँ से जाती हुई एक रेखा खींच देंगे, तो ये जो कोण बन गया वो कोण कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। अब 45 डिग्री और 22.5 डिग्री के कोण की रचना कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे, बिंदु ए पर हम सबसे पहले बनाएंगे 45 डिग्री का, तो किस प्रकार से बनाएंगे, प्रकार को आधा से कम खोलकर, आधे से कम खोलेंगे और एक यहाँ क्या बना देंगे, अर्धवृत्त, क्या बना देंगे, अर्धवृत्त मतलब आधा, प्रकार को इतना ही खोलेंगे, यहाँ रखेंगे, ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 60 डिग्री का, फिर यहाँ रखेंगे, एक और चाप काटेंगे, ये 120 डिग्री का चाप है और फिर यहाँ पर 60 डिग्री पर वापस प्रकार को 60 डिग्री पर ही रखेंगे और यहाँ से एक चाप यहाँ, फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे 120 डिग्री पर और यहाँ से एक चाप काट देंगे। ये जो आया, ठीक है, वो कितने डिग्री का आया है, 90 डिग्री का। यहाँ से हम एक डॉट डॉट करती हुई रेखा इस ए पे मिलाएंगे, यहाँ इस चाप को ऐसे एक डॉट डॉट करती हुई इस प्रकार से रेखा खींच देंगे, यहाँ इतना खींचेंगे क्योंकि हमें 90 डिग्री का तो बनाना ही नहीं है, हमें कितने का बनाना है, 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री क्या होता है, 90 का आधा, 45 क्या होता है, 90 बटा 2, 90 का आधा, तो मतलब इस ये जो 90 डिग्री का कोण आया है इसका क्या करना है, समद्विभाजन, समद्विभाजन मतलब दो भाग करने हैं, तो दो भाग कैसे करते हैं, ये यहाँ से रखेंगे प्रकार को, ठीक है, और इस चाप के आधे से ज़्यादा यहाँ तक खोल लिया, एक चाप इधर काट देंगे, ठीक है, कहाँ रखा, यहाँ से, और ये चाप इस प्रकार से काट दिया और फिर प्रकार को यहाँ रखेंगे 90 डिग्री पर और यहाँ से प्रकार से, ठीक है। ये दोनों चाप जहाँ काट रहे थे इस प्रकार से, ये चाप यहाँ काट रहा है, इसको मिला देंगे, ये बिंदु ए है
यहाँ से जाती हुई एक रेखा इस प्रकार से रेखाखंड खींच देते हैं। ये जो कोण बन गया है यहाँ से यहाँ तक का, ये कोण बन गया 45 डिग्री। अब दूसरा जो कोण बनाना है वो 22.5 डिग्री बनाना है। 22.5 डिग्री क्या होता है पहले तो ये देखिए, 22.5 डिग्री किसका आधा होता है? 45 का आधा। ठीक है, 45 किसका होता है आधा होता है? 90 का, और ये 2/2 था ही, तो बिल्कुल आगे कितना हो गया 90/4। मतलब पहले तो 90 का समद्विभाजन करेंगे, फिर के जो आएगा उसका समद्विभाजन, मतलब पहले कितने डिग्री कोण बनाना है? 45 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले कितने डिग्री कोण बनाना है? 45 का। 45 का बनाने के लिए किसका बनाना पड़ेगा? 90 का। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे, सबसे पहले 90 का, क्योंकि 22.5 डिग्री होता है 45 का आधा होता है, 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, फिर उसका आधा करना पड़ेगा। 45 का बनाने के लिए किसका आधा करना पड़ेगा? 90 का। तो पहले 90 का बनाएंगे, फिर उसका आधा करेंगे, फिर जो 45 का आएगा उसका भी क्या करना है? आधा। तो देखो यहाँ रखेंगे, आधे से कम खोला, यहाँ रखेंगे ये 60 डिग्री, 120 डिग्री और ये 90 डिग्री। पे बिंदु ये 90 डिग्री का हो गया। अब कितने डिग्री का? 90 का आधा क्या होता है? 45। तो आधे से ज़्यादा इधर एक इधर चाप काट देंगे, एक चाप इधर काट। ठीक है, ये इसका आधा हो गया, ये कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। लेकिन 45 का नहीं खींचना, तो ये भी हम क्या करेंगे? डॉट डॉट डॉट, बस यहाँ तक इस साफ तक। ठीक है, ये कितने डिग्री का बना दिया मैंने? 45 का। हमें कितना बनाना है? 22.5 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रकार का, ये जो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके यहाँ से यहाँ तक है 45, इसके आधे से पूरे से थोड़ा सा क्या करेंगे? कम, यहाँ तक खोलेंगे प्रकार, यहाँ तक पूरा नहीं खोलेंगे, पूरा नहीं खोलेंगे। समद्विभाजन करने के लिए क्या करेंगे हम? इसके पूरे से थोड़ा सा कम, यहाँ तक खोलेंगे। खोल लिया, एक चाप इधर और एक चाप इधर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका? ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 22.5 डिग्री का। ये 22.5 डिग्री का। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कैसे किया है। 45 डिग्री का कैसे बनाया है? समकोण का आधा, समकोण का क्या करेंगे? समद्विभाजन। सारी 22 डिग्री का क्या करेंगे? 45 डिग्री का समद्विभाजन। पहले 45 का बनाया, फिर उसका क्या कर दिया? समद्विभाजन। ठीक है, तो 15 डिग्री का बनाएंगे, तो पहले जो 23 डिग्री का बनाएंगे फिर उसका समद्विभाजन करेंगे। तो पहले तो 30 का बनाएंगे, तो 30 के लिए पहले हमें 60 डिग्री का बनाना पड़ेगा। प्रकार को आधे से कम खोलेंगे, एक अर्धवृत्त बना दिया, ये 60 डिग्री, और इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे या पूरे से थोड़ा सा कम खोलेंगे। हिसाब से पूरा यहाँ तक है ये 60 डिग्री, इसके थोड़ा सा कम खोलेंगे यहाँ तक, और एक चाप इधर और एक चाप यहाँ से 60 डिग्री करके इस प्रकार से। ये जो कोण बन गया, तीस डिग्री का, अब 30 डिग्री का आधा करके क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। तो प्रकार को इसका समद्विभाजन करना है, 30 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा कम खोलेंगे प्रकार को, यहाँ तक खोलेंगे और एक चाप इधर और एक चाप यहाँ से रख के यहाँ से समद्विभाजन हो गया। और ये जो चाप दोनों की जगह काट रहे हैं तो स्केल से यहाँ रखेंगे, पी बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कोण जो आ गया आपके पास, ये कोण, वो कोण कितनी डिग्री का आएगा? 15 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 15 डिग्री का। ठीक है, 75 डिग्री।
105 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री के कोण की रचना। तो सबसे पहले 75 डिग्री बनाएंगे। 75 डिग्री क्या होता है? 75 डिग्री किस चीज के बीच में आएगा? 60 डिग्री व, या फिर ऐसे करो ना, 60 प्लस 90 बटा 2, मतलब 90 और 60 के बीच में होता है। 90 और 60 के बीच में होता है। 90 और 60 कितने हो गए? 150। 150 का आधा कितना होता है? 75। मतलब 90 और 60 के बीच में क्या लेना है? 75 डिग्री। तो पहले तो 90 का बनाओ, फिर 60 का बनाओ। 60 और 90 का क्या कर देंगे? बीच का मतलब है समद्विभाजक, ठीक है। तो प्रकार को यहाँ ए पर रखेंगे, आधे से कम खोलेंगे, इस प्रकार से चाप काट दिया। ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहाँ से डॉट डॉट करते हुए ऐसे मिला देंगे इसको, ठीक है। ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। अब 60 और 90 का समद्विभाजन करेंगे। 60 ये रहा, 90 ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन आएगा? 75। तो प्रकार को यहाँ रखेंगे और ये जो 90 डिग्री का, हाँ, 60 से 90 तक खोल लिया, इसके थोड़ा सा क्या खोलेंगे? कम। समद्विभाजन करने के लिए पूरा नहीं खोलते हैं, आधे से ज़्यादा या पूरे से थोड़ा सा कम। इस प्रकार से एक चाप काट दिया 60 पे रख के, फिर 90 पे रखेंगे यहाँ, और इस प्रकार से ये कितने डिग्री का बढ़ गया? 75 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 75 डिग्री का। फिर बनाएंगे हम 105 का। 105 डिग्री क्या होता है? 90 प्लस 120, 210। 210 का आधा क्या होता है? ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 105 डिग्री किस किस के बीच में बनेगा? 90 और 120 का, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे एक तो कोण 90 का बनाना है, एक 120 का, फिर उन दोनों का क्या करना है? समद्विभाजन। प्रकार को यहाँ रखेंगे, आधे से कम, एक अर्धवृत्त बना देंगे, ठीक है। ये 60 डिग्री, 120 डिग्री, और किसका बनाना है? 120 तो आ गया, और किसका बनाना है? 90 डिग्री का। तो प्रकार को यहाँ रखेंगे और ये कोण 90 का, ठीक है। ये 90 डिग्री का। अब 105 डिग्री क्या है? 105 डिग्री 90 और 120 का आधा, मतलब 90 और 120 का हमें क्या करना है? समद्विभाजन। तो प्रथम द्विभाजन करने के लिए क्या करेंगे? ये 120 है, ये 90 है, इसका समद्विभाजन करने के प्रकार में यहाँ रखें और इस पूरे कोण से थोड़ा सा कम खोलेंगे, आधे से ज़्यादा या पूरे कोण से थोड़ा सा कम। 90 है ना, यहाँ तक खोल लो, इससे कम कर लो ऐसा यहाँ तक, ठीक। एक चाप इधर और एक चाप इधर। ये जो कोण आ गया, ये कोण कितना आएगा? 105 डिग्री का। फिर है 135 डिग्री का। 135 डिग्री से पहले हम 150 का सीख लेते हैं, ठीक है। 150, तो 150 डिग्री क्या होता है? देखिए 150 डिग्री होता है 120 प्लस 180 बटा 2, मतलब 120 और 180 के कोण की क्या करनी है हमें? समद्विभाजन करना है। तो 120 का बनाना है, 180 का बनाना है, फिर उन दोनों का समद्विभाजन करना है। तो कैसे बनाएंगे? आधे से कम खोलेंगे, एक अर्धवृत्त इस प्रकार से बनाएंगे, ये 60 डिग्री का चाप, ये 120 का और 180 का, यहाँ रखेंगे 120 पे और ये 180 का। तो ये 180 का चाप है, ये 180 डिग्री का, इसको थोड़ा सा कैसे मिला देंगे, ये देखो सीधी रेखा पे आ गया ना 180, ये 120 और ये 180, 120 और 180 इन दोनों का क्या कर देंगे? समद्विभाजन। तो कैसे करेंगे? प्रकार को यहाँ रखेंगे 180 पे और पूरे से थोड़ा सा कम खोल दिया और एक चाप इधर काट देंगे, एक चार 120 से, ठीक है। ये बिंदु यहाँ था, तो इसको इस प्रकार से मिला देंगे, यहाँ इसे खींचना था ना कोण, ये जो कोण बन गया, ये जो कोण बना है, ये कोण कितने डिग्री का बना है? 150 डिग्री का, ठीक है। अब हम सीखते हैं 135 डिग्री का।
तो 135 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 120 प्लस 150 बटा 2, मतलब 135 डिग्री का जो कोण है वो 120 और 150 के कोण का समद्विभाजन है। मतलब 135 का बनाने के लिए हमें कौन कौन से कोण बनाने पड़ेंगे, 120 का और 150 का, तो इन प्रकार में याद रखेंगे और एक अर्धवृत्त इस प्रकार से खींच देंगे, ये कोण 60 डिग्री का, ये 120 का और ये 180 का, ठीक है 180 का। अब 150 का बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 120 और 180 का समद्विभाजन करेंगे, इतना कोण लिया और एक चाप इधर एक चाप इधर, ये जो कोण बन गया, ठीक है ये कोण कितने का बन गया, 150 का। यहाँ से इसको डॉट डॉट करते हुए मिला देंगे, ठीक है ये यहाँ से जो कोण जाएगा वो कितने का जाएगा, 150 का। अब हमें समद्विभाजन किसका करना है, 120 और 100, ये 150 ये 120 प्रकार को यहाँ तक खोलेंगे, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा समद्विभाजन करेंगे तो आधे से ज़्यादा बोलिए इस आपके आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा एक चार इधर काट देंगे, एक चार 120 से ये जो कोण आ गया वो कोण कितना आएगा, 135 डिग्री का। यहाँ से इसको मिला देंगे, ये जो कोण आ गया ये कोण आ गया 135, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की रचना करना करें, देखो समबाहु त्रिभुज जो होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप भी कर लेंगे, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, अब प्रश्न बोल रहा है कि दो ही कोण दिए हुए हैं तो दो कोण 60 के, तीसरा भी कितना होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी की दिया, ठीक है एक रेखाखंड ए बी कह देंगे, अब ए पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री का, प्रकार को आधे से कम खोलेंगे ऐसे, यहाँ तक इस प्रकार से खोल दिया, ये कौन 60 डिग्री। ऐसे हम बी पर भी कितनी डिग्री कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का, तो आधे से कम खोल दिया, यहाँ से इस प्रकार से चाप कर, ये कितनी डिग्री का 60 डिग्री, इनको मिलाते हुए देखा कि तो इस प्रकार ये 60 डिग्री का है, ठीक है यहाँ से भी इस प्रकार से देखा कि जो बी से जाती हुई, ठीक है ये दोनों यहाँ काट रही है, ये कौन सा बिंदु हो गया सी, इस प्रकार से बनाना है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये कोण मान लीजिए कितना है एक्स मान लो, तो 60 प्लस 60 प्लस एक्स, इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180, 60 60 120 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 माइनस 120, एक्स बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब ये कोण भी कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो संभव त्रिभुज की रचना करेंगे तो क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे और दोनों शीर्षों पर 60 डिग्री के कोण बना देंगे, वो जो ठीक है कोण बनाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी सी, वो त्रिभुज कैसा होगा समबाहु त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कोई आपसे पूछे, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का, समबाहु त्रिभुज प्रश्न 11.1 कंप्लीट, ठीक है बंद कर दो।